पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्रणाथ बताने वाली MBBS छात्रा शिवरंजनी सिर पर कलश रखकर महोबा जिले पहुंची। 16 जून को वह बागेश्वर धाम पहुंचेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी की चाह रखने वाली MBBS की छात्रा और कथावाचिका शिवरंजनी तिवारी मंगलवार को सिर पर कलश रखकर महोबा पहुंची। धीरेन्द्र शास्त्री को अपना प्रणाथ कहने वाली शिवरंजनी का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनकी आरती उतारकर स्वागत भी किया। शिवरंजनी 16 जून को मध्य प्रदेश के गढ़ स्थित बागेश्वर धाम पहुंचेगी और दिव्य दरबार में शामिल होगी। मूल रूप से सुनी मध्य प्रदेश निवासी शिवरंजनी तिवारी ने 1 मई को गंगोत्री से सिर पर गंगाजल का कलश रखकर पद यात्रा शुरू की। वह मध्य प्रदेश के चर्चित बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुई थी। करीब 1150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस भीषण गर्मी में शिवरंजनी अपने पिता और भाई के साथ बुंदेलखंड के महोबा पहुंची, जहां भक्तों ने जगह जगह स्वागत किया। महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए उनकी आरती उतारी। MBBS की छात्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इस कदर लगाव रखती है कि पैदल ही अपने प्रणाम से मिलने के लिए चल पड़ी। उन्होंने संदेश दिया है कि सभी लोग बालाजी सरकार बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े। बताया कि 10 दिन पहले तक उन्हें कोई नहीं जानता था, जब से वह बालाजी सरकार के चरणों से जुड़ी है तो उन्हें घर घर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वह इसीलिए जय बोलती है क्योंकि उन्हीं की कृपा है कि वह उनसे मिलने जा रही है। वह उनके प्रणाथ है और उनसे मिलने की लालसा उन्हें गंगोत्री से बागेश्वर धाम खींच कर ला रही है। सिर पर कलश रखकर पद यात्रा कर रही शिवरंजनी तिवारी ने बताया कि उनके सफर में कठिनाइयां भी सामने आई। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें कठिनाइयां और चुनौतियां होना स्वाभाविक है। वह बुंदेलखंड के महोबा तक आ गई है, जहां से बागेश्वर धाम की दूरी ज्यादा नहीं रह गई है। भीषण गर्मी ने उनका रास्ता रोका, लेकिन इस बीच कहीं कहीं भगवान इंद्र की कृपा से मौसम सुहाना होता गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्रणाम बताने वाली शिवरंजनी तिवारी का सफर जारी है। उन्होंने कहा कि इस तपस्या का फल मुझे मिलना शुरू हो गया है। रास्ते में जगह जगह साधु संतों के आशीर्वाद मिल रहे हैं। 1 से 2 होने के आशीर्वाद मिलने से वह उत्साहित हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का यह न्यूज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह का न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।